हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो है, आज मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाऊंगा जो कि बेस्ट बाय है। यहाँ पे बहुत फेमस स्टोर है, वहाँ पर जाके कुछ चीज़ें देखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, जैसा जैसा मतलब जो जो प्राइस है मेंशन करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा कि आईफोन, आईपैड, सैमसंग, क्या क्या मतलब टीवीज का क्या प्राइस है, जो भी आपको देखना हो मैं सब दिखाऊंगा। और ये है मेरा रूम, और कुछ ऐसा बहुत बड़ी नहीं है, मतलब बेड सा है, सिंपल सा, सिंगल बेड, साइड टेबल, वॉल पेंटिंग। यार यहाँ में लाइट का बहुत इशू है, बहुत लो लाइट है यहाँ। एक तो वैसे मतलब बेसमेंट में है और लो लाइट है, तो मतलब ठीक है, चल रहा है, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट तो इसमें भी आपको पता चल ही रहा होगा वीडियो में। बट मैं आज की वीडियो सारी मैं कवर करूँगा कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं यहाँ पर, क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस है, जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से काफ़ी फ़र्क है, यहाँ का और दुबई का प्राइस मुझे ऑलमोस्ट सेम लगा। ऐसी बात नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ दुबई में ही सस्ते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही रेट किया है, क्योंकि जो दुबई में भी इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं वो अमेरिका से ही जाते हैं। सो मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊँगा। इन डिटेल भी क्या मतलब, जो जो प्राइस ही पता करना होता है ज़्यादातर लोगों को, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी चलता हूँ। और गाइस एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि ना, एक एयरबीएनबी की प्रॉपर वीडियो बना दूँ, तो मतलब कैसे मुझे मिला, कितने का मिला, और एक हाउस टूर भी दे दूँ कि मतलब कितने रूम्स हैं, कितने लोग हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखा ही रहा हूँ। अभी तो हो गए एक दो दिन रहते हुए, तीन चार दिन ही हो गए बल्कि रहते हुए, बट मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगा और अच्छे से बताऊँगा कि आप कैसे बुक कर सकते हैं। और एक तो यार मुझे यहाँ का ना थोड़ा समझ नहीं आता कि ना, मतलब समझ क्या नहीं आता, थोड़ा कल्चर यहाँ पर ऐसा है कि शूज़ उतार कर ही आने हैं बाहर। मेरे को तो इंडिया वाला ज़्यादा पसंद आया, जो बाहर अंदर चलने थे वैसे एक ही चीज़। यहाँ पर इतनी नौटंकी है कि अब कन्फ्यूज सा ही हो जाता हूँ कि क्या क्या उतारना है क्या नहीं। बाकी गाइस अभी मैं आ गया हूँ बाहर। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है, शायद इंडिया में वहाँ ऐसा रात में भी नहीं होता, 12 बजे, 2 बजे, रात के 1 बजे, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिन में ही ऐसा है। ये देखो प्रॉपर सुनसान, कुछ है ही नहीं दूर दूर तक, जो कि यार फैमिली के लिए और जो बंदे पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, एकदम मज़ा आ जाता है यार। यहाँ पर शोर शराबे से तो ऐसा नहीं है कि शोर शराबे नहीं है, शोर शराबे से थोड़ा हटके भी है। अब वहाँ पर है एक सोसाइटी का पार्क है, बच्चे वहाँ मस्त फुटबॉल खेल रहे हैं, थोड़ी सी दूर दिख रहे हैं मुझे वहाँ। अब जाना कैसे, थोड़ा सा रोड क्रॉसिंग वगैरह करके देखना पड़ेगा, बट है काफ़ी फ़र्क है, बिल्कुल शांति है, बस अपना आराम से कैमरा उठाओ, घूमते रहो, बोलते रहो, कुछ ना कुछ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं थोड़ा ना इधर आ जाता हूँ, बिल्कुल ही इंडिया ना समझो कोई और। तो वीडियो के चक्कर में, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में सामान तो घर पे ही भूल गया, जा रहा हूँ वापसी लेने। पापा ने बोला था कि सामान ले आइयो, मैं अपना ज़्यादा फोकस इस पर करके मैंने कहा हाँ हाँ ले आऊँ ले आऊँ, कुछ खाली आते पहुँच गया वहाँ। पापा कह रहे सामान कहाँ है, मैंने कहा कौन सा सामान भाई, क्या क्या मांग रहे हो, जा रहा हूँ वापसी घर लेने। एक मुझे हाँ ही ना ये भी बड़े सही लगते हैं, पिकअप ट्रक, ये है, ये तो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये शेवरलेट वगैरह के और भी है, जीएमसी वगैरह के काफ़ी बढ़िया बढ़िया ट्रक्स यहाँ पर मैंने देखे यार। और बात सारी यार, मेरे को ना जब जब टाइम लग रहा है मैं तब तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि खाना पीना सब खुद से ही करता हूँ और सही है मतलब, तो इसलिए जो जो रिकॉर्ड होगा ना, शायद मैं दो तीन दिन का एक बना दूं, या एक दिन का एक डालूं, या दो दिन का एक डालूं, वो मुझे भी नहीं पता। एडिटिंग करने जब बैठा तो प्रॉपर अच्छे से उसको अच्छे से कुछ अच्छा ही कंटेंट क्रिएट करूंगा। बाकी लच्चे आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है या पसंद आता है या कमेंट्स में आप जरूर बताना, ठीक है। हाय, यार निकला तो मैं बेस्ट बाय के लिए था, बट पता नहीं ओवर कर रहा था, बहुत देर से ट्राई करी मैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में, 30 मिनट से ट्राई कर ही रहा था, बट हुई नहीं ओवर। कभी कभार इसमें यहाँ पर आ रहा है, मेरे पहले भी आया था मेरे साथ। तो अब मैं यहीं पर, एक पास में एक मॉल है एरन मिल्स करके,
मतलब घर से 20-25 मिनट की वॉक पे था, मैं तो आ गया भाई ऐसे घूमता फिरता। जगह इतनी अच्छी है, शानदार एरिया, इतना सुंदर लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये एरिया है, आगे मैं जा रहा हूँ, देखते क्या क्या है। थोड़ा बहुत ग्रॉसरी भी करना था, मैंने कहा चल उठा लेंगे यार, अब निकले हैं तैयार हो गए तो चल ही लेते, क्या दिक्कत है। आ ही गया, बहुत सारी जगह है यार, खाने पीने की बहुत है। अभी देखते हैं क्या लाता हूँ, क्या खरीदता हूँ, क्या बाय करता हूँ। लच्छी भाई, मैं अभी एक गेमिंग सेक्शन में आया था, यहाँ की कलेक्शन देखो भाई, निंटेंडो PSP, PS5, PS4, Xbox, सारी है, सारी कलेक्शन है, बढ़िया बढ़िया। ये आपके सारे आ गए कंट्रोलर्स, हेडसेट्स, रेजर के भी हैं, टर्टल बीच के भी हैं, ये आपके आ गए सारे कार्ड्स, गेम कार्ड्स वगैरह सब चीज़ है बॉस। यार बस अभी वॉलमार्ट वगैरह से मैंने सारा सामान ले तो लिए, और एक यहाँ पर एक है गेम स्टॉप करके एक शॉप है, गेम स्टॉप करके एक शॉप है यहाँ पर, तो वहाँ पर PS5, Xbox, PS5 डिजिटल, इनके प्राइस लिखे हुए, निंटेंडो, तो मैं आपको दिखा दूँ कितने कितने डॉलर्स के यहाँ पर आपको मिल रहा है। जैसे कि ये है, ये 259 और निंटेंडो स्विच $379, इंटो 60 कर लेना आप, और बड़ी अच्छी है यार, बहुत अच्छा स्टोर है। ये $600 का है एक्सबॉक्स 1 TB वाला, ठीक है। और यहाँ बड़े बड़े ना वो है यार, जैसे कि आप कॉम्बो टाइप होते हैं ना वो, जैसे वंडरलैंड का कॉम्बो, और मतलब उसमें बहुत वैरायटी है, कंट्रोलर्स में बहुत वैरायटी है, PS5 के सारी एक्सेसरीज है। ये आपका पड़ गया $629 का, ये है डिस्क एडिशन, ये PS5 जो ब्लैक एडिशन आया था ना, डिजिटल एडिशन है ये, वो वाला ब्लैक कलर में, ये 629 का वो वाला एडिशन है, ये कहते हैं डिस्क एडिशन। ये सारे कंट्रोलर्स वगैरह है, प्लेस्टेशन का VR, फरारी का व्हील, ड्राइविंग व्हील, बहुत सारे, बहुत अच्छा स्टोर है यार। मैं इसलिए बार बार से दिखा रहा हूँ, अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी थोड़ी सी जल्दी है मेरे को निकलना है घर, इसलिए सोलेज को नीचे रहे। बड़ा अच्छा मॉम लिखा हुआ है यहाँ पर ना, इस तरफ मैं दिखाता हूँ, इसमें सबने कॉइन्स भी डाले हुए, ये लिखे हुए मॉम, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। यार एक किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि न्यूयॉर्क फ्राइज ज़रूर ट्राई करना, तो अभी यहाँ पर एक क्या कहते हैं फूड कोर्ट में एक न्यूयॉर्क फ्राइज करके मिला है यहाँ पर, बहुत अच्छा, मैंने इसमें ट्राई करा बटर चिकन फ्राइज, तो बहुत सही है। अभी मैं दिखाता हूँ और टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। ये बटर चिकन फ्राइज है और ये नॉर्मल फ्राइज है, मेरे भाई वेजिटेरियन है तो उसके लिए नॉर्मल फ्राइज, ये कोक लिए, ये थोड़े से सही लग रहा है, अभी ट्राई करके देखते हैं यार क्या सीन है क्या नहीं है ना। यार एक न्यूयॉर्क फ्राइज मैंने ट्राई तो करा, मेरे को कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, वो फ्राइज क्रिस्पी नहीं थे, जब तक फ्राइज क्रिस्पी ना हो तब तक क्या ही फ़ायदा खाने का। बटर चिकन का हल्का सा टेस्ट था वैसे, ठीक थे, लेकिन मज़ा नहीं आया उसको खाकर बिल्कुल भी यार। अरे कि कैप के स्टोर पे आया था, बहुत अच्छी अच्छी कैप, मतलब प्रॉपर स्टोर ही है भाई, ये देखो स्टोर चेक करो, सारी कैप्स ही कैप्स, जर्सीज, कैप्स, एवरीथिंग। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, आप कस्टमाइज भी करा सकते हो, वो कस्टमाइज कैप बढ़िया, बेसिक कैप्स इतने एक नंबर, सिंपल सोबर कैप्स, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा यार, चेक करो, बहुत अच्छी कैप्स, मैंने एक ले भी ली, बाद में दिखाऊंगा कौन सी ली है। सो गाइस जस्ट अभी डिनर लेने आया था, और हाँ यार धूप इतनी तेज़ है, टाइम हो रहा है 7:40, इसलिए मतलब मैंने कहा यार 7:40 हो रहा है, 8:30 to 9 तो डिनर करते ही हैं, बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो डिनर मैंने ले लिया,
एक ये द ककोरी करके है यहाँ पर घर के पास ही, बहुत अच्छा इंडियन खाना है। 4.8 की रेटिंग थी यहाँ पर। यार थोड़ा रेटिंग कल्चर बहुत है, मतलब रेटिंग के हिसाब से ना काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि सही है या गलत है। तो मैं बस घर के पास ही, 1 किलोमीटर के पास ही था, मैं बस वॉक करता हुआ आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है द ककोरी, मैं इसे ले आया जस्ट अब। यार धूप देख रहे हो कैसी पर पर ऐसी बात नहीं है कि मतलब धूप निकली हुई है, बहुत सनी, आपको मतलब देखने में बहुत सनी लग रहा है तो बहुत सही है, मतलब ठंड नहीं है। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, सच बता रहा हूँ। टेम्परेचर दिखाता है 12-15, लेकिन फील्स लाइक उसमें दिखाता है 8-9। तो यार मतलब वो जो फील्स लाइक वाला सिस्टम है ना यहाँ पर, मतलब उसको देख के चलना पड़ता है। अब यहाँ पर यार पता नहीं एक गाड़ी ठुकी हुई अच्छी खासी, ऐसी बात नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते, होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही तगड़े तरीके से होते हैं। अच्छे तरीके से हिली हुई है गाड़ी। बाकी बस पैदल पैदल वॉक करता हुआ घर जा रहा हूँ यार। एक तो यार यहाँ पर पैदल बहुत चलना पड़ता भैया, जिनके पास गाड़ी है वो तो मतलब चलो उनका अच्छा है, उनका अच्छा नहीं उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो जैसे ट्रैवल कर रहे हैं बस से, या उनके पास कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है, पब्लिक व्हीकल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ है। क्योंकि यहाँ से आपको लोकेशन दिखाएगा कोई, जहाँ आपको जाना होगा वो आपको दिखाएगा बाय कार 10 मिनट दूर, 15 मिनट दूर, बट वही चीज़ आपको बस से दिखाएगा 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। सो यही चीज़ है यार।